नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को जो शक्तियां प्रदान हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में सूचना के अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया है। इस प्रकार भारत का हर नागरिक, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, चाहे नौकरी वाले हो या किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी पद पर हो या ना हो, वह हर एक व्यक्ति भारत के किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्हें भारत के संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार उन्हें जानने का भरपूर कानून इन्हीं नियम प्राप्त है, जिस कारण वह किसी भी कार्यालय से सूचना मांग सकता है, किसी भी कार्यालय में हो रहे कार्य का निरीक्षण कर सकता है, किसी भी कार्यालय में रखे अभिलेख का वह जांच कर सकता है, चाहे वह जो भी जानना चाहता है वह संबंधित विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी से आवेदन देकर संबंधित कागजात या संबंधित सबूत या संबंधित रिकॉर्ड जो भी वह जानना चाहता है वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए हरेक भारतीय को अवश्य ही किसी भी कार्यालय में हो रहे कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है और इसे अवश्य उसका उपयोग करना चाहिए। हर भारत के नागरिक को इसका उपयोग कर अपने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्य का निरीक्षण, चाहे अभिलेख का निरीक्षण, चाहे वह अभिलेख अपने से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का कार्य हो, उसका निरीक्षण वह कर सकता है। किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी को यह पूछने का हक नहीं है कि वह किसी भी कार्यालय में निरीक्षण क्यों करना चाहता है या उसको निरीक्षण करने में किसी भी तरह की बाधा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा करता है कोई भी लोक सूचना पदाधिकारी तो उसके खिलाफ आप सूचना आयोग में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह भारत के नागरिक को एक मजबूत शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग हर भारतीय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट कहा गया है कि सूचना का अधिकार जनता का मौलिक अधिकार है, इसे हर नागरिक को प्राप्त है। इसलिए इसका उपयोग अवश्य करें। जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ अपने क्षेत्र में हो रहे कार्य के बारे में जानना चाहते हैं या अपने कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा करना चाहते हैं या किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन देकर उस चीज की जांच कर सकते हैं, किसी भी अभिलेख का प्रमाणित छाया प्रति ले सकते हैं, किसी भी कार्य में हो रहे उपयुक्त कच्चा माल का भी जांच कर सकते हैं, उसका प्रमाणित नमूना भी ले सकते हैं। इस प्रकार भारत के नागरिकों को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है, इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम सभी सजग होकर, सतर्क होकर इसका प्रयोग करेंगे तो आशा है कि भारत में हो रहे भ्रष्टाचार से हम लोग शीघ्र ही मुक्त हो सकते हैं। यह कहना सरल है लेकिन कुछ कठिन भी है, लेकिन अगर भारत की जनता जागरूक हो जाए, वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो भारत की जनता को रोक सके। इसलिए हर भारतीय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वह किसी भी सरकारी कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो या विभागीय कार्यालय हो, किसी भी पदाधिकारी को आवेदन देकर आप सूचना मांग सकते हैं। उसमें हो रहे अभिलेख की जांच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्रमाणित प्रति चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप लोग जो भी
इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं वो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र ही सौ समय मिलता रहे। जय हिंद।